गाइस कैसे हो आप। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे अकाउंट कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुँचे। गाइस सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ओपन करने का दोस्तों हम यहाँ पर सर्च करेंगे फ़ोनपे, उसका दोस्तों इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों ओपन पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर दोस्तों अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लिंक हो। उसका दोस्तों नीचे लिखा प्रोसेड, इस पर क्लिक करेंगे हम। उसका दोस्तों परमिशन मांगे अलाउ करेंगे हम। यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा दोस्तों, ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। तब तक दोस्तों थोड़ा हम वेट करते हैं यहाँ पे। उसका दोस्तों जैसे कि हमारा ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो चुका है, तब तक थोड़ा हम यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। गाइस ये ऐप आपसे परमिशन मांग अलाउ करेंगे यहाँ पे, जितनी बार अलाउ करने के लिए बोलता हूँ उतनी बार अलाउ करते रहेंगे हम यहाँ पे। उसका दोस्तों ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर जाएंगे हम अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर, इस पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों यहाँ पे लिखा है ऐड बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे हम। उसका दोस्तों यहाँ पे सारे बैंक हो जाएंगे। यहाँ पे गाइस जो पॉपुलर बैंक है, मतलब जो बड़ी बड़ी बैंक है, वो तो सारी शो हो जाएंगी। जैसे हम गाइस हम अपना फ़ोन पे से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिंक करना चाहते हैं तो गाइस यहाँ पे सर्च करेंगे हम। उसका दोस्तों ये ऐप आपके बैंक को वेरीफाई करेगा। यहाँ पे दोस्तों परमिशन मांगा अलाउ करेंगे हम यहाँ पे। उसका दोस्तों यहाँ पे लिख के आ चुका है फाइंडिंग अकाउंट लिंकिंग द विद मोबाइल नंबर। यहाँ पे दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर शो हो जाएगा। उसका दोस्तों जैसे कि हमारा अकाउंट यहाँ पे लिंक हो रहा है, थोड़ा हम वेट करते हैं। गाइस यहाँ पे लिख के आ चुका है, देख सकते हो आप, अकाउंट एडिट सक्सेसफुली। यहाँ पे गाइस हमारी बैंक डिटेल्स हो जाएगी, जैसे गाइस हमारे बैंक का 4 डिजिट का लास्ट डिजिट। उसका दोस्तों यहाँ पे हमारे मतलब UPI ID सब कुछ हो जाएगा। जैसे गाइस अगर आप मतलब पिन बनाना चाहते हैं तो रिसेट पिन पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों जैसे आप पहली बार बनाएंगे तो मतलब नाउ क्रिएट पिन पर आएगा। जैसे गाइस मेरा मतलब पहले से ही पिन है, इसमें एक बार आपको बता देता हूँ पिन कैसे बनाते हैं। तो रिसेट पिन पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों आपको अपना ATM कार्ड डिटेल्स डालना, जैसे गाइस यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट डालेंगे। उसका दोस्तों अपना एक्सपायर डेट डालेंगे। उसका दोस्तों प्रोसेड पर क्लिक करेंगे। गाइस आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालने का दोस्तों आप अपना कोई भी अपने दिमाग से UPI पिन बना सकते हो। उसका दोस्तों फिर से हम होम स्क्रीन पर आएंगे। उसका दोस्तों हम यहाँ पे चेक बैलेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ चुका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यहाँ पे गाइस हमारे लास्ट के 4 डिजिट भी दिखाई देगा अकाउंट का। उसका दोस्तों जैसे कि हम बैलेंस चेक करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। उसका दोस्तों जो आपने अपना UPI पिन बनाया वो अपना UPI पिन डालेंगे। उसका दोस्तों सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइस आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।